स्वागत है दोस्तों रेल फ्रेंड्स आसाम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर आप लोग को जानने के लिए मिलेगा अबाउट दी दो नई ट्रेन सर्विस के बारे में। जी हाँ, तो दो नई जो कि ट्रेन सर्विस इंट्रोड्यूस किया गया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में, और ये जो कि ट्रेन कनेक्टिविटी है, जो कि नई ट्रेन कनेक्टिविटी है, तो ये दोस्तों रेल कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बूस्ट करेगा और साथ ही जो कि है पैसेंजर्स के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा होगा दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग इस ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं, इन दो ट्रेनों में अगर आप लोग सफ़र करने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जो कि है महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो कि ट्रेन सर्विस है, एक है डिब्रूगढ़ से लेके देवघर के बीच में चलने वाला जो कि एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस है, और दूसरा जो कि है जोगबानी से लेके सिलीगुड़ी टाउन तक चलने वाला जो कि एक एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस है। तो ये जो कि दो नई ट्रेन सर्विस है, तो इन दोनों नई ट्रेन सर्विसेज के बारे में जो कि है मैं इन डिटेल में आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले बताने जा रहा हूं दोस्तों अबाउट डिब्रूगढ़ से लेके देवघर जो कि एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस है, तो ये हफ्ते में दोस्तों कितने दिन चलने वाला है, और साथ ही अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग सभी स्टॉपेजेस पर, और साथ ही कमर्शियल स्टॉपेजेस में जो कि है कौन से स्टॉपेजेस पर रुकाया जाएगा, और साथ ही कंपोजिशन के बारे में भी बोलेंगे। और उसके बाद जो कि है जोगबानी से लेकर सिलीगुड़ी टाउन के बीच में जो कि है ये ट्रेन सर्विस, इसके बारे में भी बोलेंगे। तो इसी वीडियो में आप लोग को ये दोनों ट्रेन सर्विस के बारे में पता चलेगा, तो इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले डिब्रूगढ़ टू देवघर, ये जो कि ट्रेन नंबर है 15926 डिब्रूगढ़ टू देवघर, जो कि एक वीकली एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस है फ्रॉम बोथ साइड, डिब्रूगढ़ से भी और देवघर से भी, यानी डिब्रूगढ़ टू देवघर हफ्ते में एक दिन चलेगा, और साथ ही देवघर से लेकर डिब्रूगढ़ तक जो कि हफ्ते में एक दिन चलाया जाएगा दोस्तों। तो ये जो कि डे है फ्रॉम डिब्रूगढ़, तो एवरी ट्यूसडे चलाया जाएगा। जी हाँ, तो एवरी ट्यूसडे फ्रॉम डिब्रूगढ़ से लेकर देवघर के बीच में ये ऑपरेशनल होगा ये ट्रेन। तो ये हालांकि जो कि इनोग्रेट हो चुका है ऑलरेडी ये ट्रेन सर्विस फ्रॉम 5 मार्च 2024 से। जी हाँ, तो 5 मार्च से दोस्तों इसका जो कि है ऑलरेडी इसका ऑपरेशनल चल गया है दोस्तों इस रूट पर। तो ये जो कि ट्रेन चलाया जाएगा, तो वाया बोगीबिल ब्रिज होकर ये ट्रेन सर्विस आएगा। जी हाँ, तो वाया नॉर्थ लखीमपुर, वाया हरमोती, वाया रंगापारा नॉर्थ, वाया रंगिया होकर ये ट्रेन ऐसे निकल के टिल देवघर तक जाएगा दोस्तों। तो ये जो कि जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को ट्रेन नंबर 15926, तो ये स्टार्ट होगा डिब्रूगढ़ से रात को 11:30 में। जी हाँ, यानी 23:30, तो डिब्रूगढ़ से रात को 11:30 छोड़ेगा दोस्तों। और उसके बाद जो कि है नॉर्थ लखीमपुर होगा इसका अगला स्टॉपेज, तो स्क्रीन पर मैं आप लोग को दिखा भी रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका पहला जो कि स्टॉपेज है नॉर्थ लखीमपुर, अगर मेजर स्टॉपेज बोलने जाऊँ, देन हरमोती, रंगापारा नॉर्थ, रंगिया जंक्शन, न्यू बंगाईगांव, न्यू कोचबिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार जंक्शन, भागलपुर, और लास्ट इसका जो कि डेस्टिनेशन स्टॉपेज है देवघर। तो अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग्स आप लोग खुद देख सकते हैं। तो लखीमपुर में जो कि है 1:30 रात को रुकेगा। जी हाँ, 1:30 में इसका अराइवल है लखीमपुर में, और 1:32 में जो कि है इसका डिपार्चर है, यानी 2 मिनट का सिर्फ हॉल्ट है इस ट्रेन का नॉर्थ लखीमपुर में भी। और हरमोती में भी सेम दोस्तों, 2:02 में हरमोती में इसका रात को अराइवल है, और 2:04 में जो कि है हरमोती जंक्शन से छोड़ा जाएगा इस ट्रेन को, और रंगापारा नॉर्थ आके पहुँचेगा सुबह 5:30, और इसका डिपार्चर रंगापारा पर जो कि है 5:40 में इसका डिपार्चर है। यानी रंगापारा नॉर्थ जैसे कि बहुत ज़्यादा जंक्शन है पॉइंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा जंक्शन पॉइंट है, इसीलिए इसको 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। और ऐसे ही जो कि आप लोग देख सकते हैं रंगिया सुबह 9:50 में इसका रंगिया जंक्शन में अराइवल होगा। तो यही जो कि है फुल रूट डिटेल आप लोग खुद देख सकते हैं। और अगर अदर स्टॉपेजेस में जाऊँ तो धेमाजी, विश्वनाथ चारियाली, उडालगुड़ी, तो यानी डिब्रूगढ़ से जो कि डिपार्चर होने के बाद जब बोगीबिल ये क्रॉस करेगा, बोगीबिल क्रॉस करने के बाद धेमाजी में इसका स्टॉपेज होगा, उसके बाद नॉर्थ लखीमपुर, उसके बाद जैसे कि मैं आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ही है आप लोगों को, तो जैसे कि आप लोग ऐसे ही जो कि है स्टॉपेजेस वगैरह आप लोग देख सकते हैं। देन विश्वनाथ चारियाली, उदालगुड़ी, नौलबारी, बोरपेटा, कोकराझार, देन न्यू अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी रोड, अलुआबारी रोड, किशनगंज, बरसोई जंक्शन, नावगछिया, खगड़िया जंक्शन, मुंगेर, बरेरियारपुर, सुल्तानगंज, मंदिर हिल, देन हंसदिया, देन मोहनपुर, तो ऐसे ही जो कि स्टॉपेजेस पर रुकाया जाएगा। और कंपोजिशन टोटल 21 कोचेस का ये ट्रेन होगा, टोटल 21 कोचेस का ये ट्रेन होगा, और साथ ही इसमें जो कि है LHB कोचेस का ये ट्रेन होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लगेज कम जनरेटर कार जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है, तो इसीलिए आप लोग को इससे अंदाज़ा हो ही क्या होगा। तो ये जो कि है ट्रेन LHB कोचेस का ये ट्रेन होगा, ट्रेन सर्विस, जिसमें जो कि है AC 2 टायर के कोचेस 2 रहेंगे,
एसी थ्री टायर के कोचेस 6 लगाया जाएगा, साथ ही स्लीपर क्लास 7 जो कि है होगा, 7 स्लीपर क्लासेस होगा, और साथ ही सेकंड क्लास जो कि है जनरल सेकंड क्लास तो वह 4 लगाया जाएगा। तो यही है इस ट्रेन सर्विस के बारे में, डिब्रूगढ़ टू देवगढ़, जो कि हर मंगलवार को चलाया जाएगा, और देवगढ़ से लेके डिब्रूगढ़ तक जो कि इसका ट्रेन नंबर है 15925 फ्रॉम देवगढ़ टू डिब्रूगढ़, और देवगढ़ से डिब्रूगढ़ एवरी थर्सडे का डिपार्चर होगा, एवरी थर्सडे का देवगढ़ से लेके डिब्रूगढ़ तक डिपार्चर होगा। तो देवगढ़ से भी आप लोग देख सकते हैं नीचे से जो कि अभी एरो दिखा रहा है आप लोगों को देवगढ़ टू डिब्रूगढ़, तो इस जो कि है राइट हैंड साइड में जो कि आप लोगों को अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग दिख रहा है, तो ये देरगांव देवघर से जो कि है डिब्रूगढ़ आने टाइम में इसका ये रूट का अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग्स है, तो आप लोग देख लीजिए खुद। तो दोस्तों अभी आता है जोगबानी से लेकर सिलीगुड़ी टाउन के बीच में चलने वाला जो कि ये ट्रेन सर्विस है, तो ये जो कि है ये भी एक नया ट्रेन सर्विस है जो कि जोगबानी से, इसका ट्रेन नंबर है 15723 फ्रॉम जोगबानी, जैसे कि 4 तारीख से ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, और इसका जो कि रनिंग डेज है मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, यानी जो कि हफ्ते में दोस्तों 5 दिन चलाया जाएगा, जी हाँ वीक में सिर्फ 5 दिन चलाया जाएगा, तो मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, यानी वेडनेसडे एंड संडे को इसका जो कि डिपार्चर है नहीं रहेगा फ्रॉम जोगबानी से लेके सिलीगुड़ी के बीच, और ट्रेन नंबर 15724 तो ये सिलीगुड़ी टाउन से जो कि इसका ट्रेन नंबर होने वाला है 15724, और इसका भी जो कि है 4 मार्च से ऑलरेडी ऑपरेशनल स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद सिलीगुड़ी टाउन से भी जो कि है मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, तो सेम डेज, और साथ ही इसका जोगबानी से अगर मैं डिपार्चर टाइमिंग बोलूँ तो सुबह 5:40 में जोगबानी से जो कि है इसका डिपार्चर होगा, उसके बाद कटिहार जंक्शन में इसका अराइवल है 7:40 में सुबह और 7:50 में जो कि है, जैसे कि जंक्शन पॉइंट है इसीलिए यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है, उसके बाद 8:40 में जो कि है बरसोई जंक्शन में इसका अराइवल है, और 8:42 में इसका डिपार्चर है बरसोई जंक्शन से, तो ऐसे ही जो कि किशनगंज और साथ ही सिलीगुड़ी जंक्शन में भी इसका कितने बजे अराइवल एंड डिपार्चर है आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद सिलीगुड़ी टाउन पहुँचेगा दोपहर 1:30 बजे, 13:30 यानी दोपहर 1:30 बजे ये सिलीगुड़ी टाउन पहुँचेगा, और जो कि सिलीगुड़ी टाउन से लेकर जोगबानी के बीच जब इसका जर्नी स्टार्ट होगा तो सिलीगुड़ी से इसका 4:50 यानी 16:50 शाम को 4:50 में इसका डिपार्चर होगा सेम डे दोपहर को, तो सिलीगुड़ी टाउन से देन सिलीगुड़ी जंक्शन देन किशनगंज बरसोई जंक्शन कटिहार एंड देन जोगबानी फिर से पहुँचाया जाएगा रात को 12:15 में इसका अराइवल एट जोगबानी रेलवे स्टेशन। और इसका कंपोजिशन के बारे में अगर मैं बोलने जाऊं तो कंपोजिशन है एसी चेयर कार एक होगा, देन जनरल चेयर कार 3 लगाया है इस ट्रेन में, साथ ही जनरल कोच जो कि है 12 जनरल क्लासेस रहेगा, तो टोटल अगर इसका कोचेस हैं तो 18 कोचेस का दोस्तों ये ट्रेन है, साथ ही इसका अदर जो कि कमर्शियल स्टॉपेजेस है फॉरबेसगंज जंक्शन, जी हाँ फॉरबेसगंज जंक्शन, उसके बाद अररिया पूर्णिया जंक्शन सालमाड़ी ढालखोला अलवाबारी रोड ठाकुरगंज एंड बागडोगरा, तो यही जो कि है कमर्शियल स्टॉपेजेस, अदर कमर्शियल स्टॉपेजेस इन सभी स्टॉपेजेस पर भी ये ट्रेन रुकाया जाएगा दोस्तों। तो यही है जो कि न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ जोगबानी से लेकर सिलीगुड़ी टाउन के बीच में जो कि नई ट्रेन सर्विस, और साथ ही इस वीडियो में मैंने जैसे कि बोला डिब्रूगढ़ टू देवगढ़ एंड देवगढ़ टू डिब्रूगढ़ ट्रेन जो कि है ये दोनों नया ट्रेन सर्विस फ्रॉम जोगबानी से और एक जो कि है डिब्रूगढ़ से, तो इन दोनों ट्रेन सर्विस को जो कि है नई इंट्रोड्यूस किया गया है NFR में, तो आप लोगों को कैसा लगा जानकर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अच्छा कमेंट दीजिए, और साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। तो आज के इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।